गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग साइंस का चैप्टर 4 पढ़ रहे थे, जो है क्लॉथिंग मटेरियल्स। इसमें हम लोगों ने क्लॉथ के बारे में पढ़ा था, नेचुरल और सिंथेटिक फाइबर के बारे में पढ़ा था, और उसके बाद कॉटन, उसके करेक्टरिस्टिक्स, जूट उसके करेक्टरिस्टिक्स, ऊल उसके करेक्टरिस्टिक्स, और सिल्क के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग सिल्क के करेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। देखते हैं, सिल्क इज ए ब्यूटीफुल एंड स्मूथ फाइबर। सिल्क ऐसा होता है, एक सुंदर और स्मूथ फाइबर होता है। इट इज़ ड्यूरेबल एंड लाइट इन स्ट्रेंथ। ये क्या होता है, टिकाऊ होता है, लेकिन इसका जो मजबूती होता है, इसका जो ताकत, ये क्या होता है, बहुत हल्का होता है। सिल्क फैब्रिक हैव गुड एब्जॉर्बेंसी, यानी इसको जो किसी भी चीज़ को, स्वेट को ऑब्जॉर्व करने का, हीट को ऑब्जॉर्व करने का क्या होता है, अच्छा होता है उसके ऑब्जॉर्बेंसी। फैब्रिक्स मेड फ्रॉम सिल्क आर कम्फर्टेबल टू वियर इन विंटर। जो चीज़ सिल्क के बनाए जाते हैं वो क्या होते हैं, विंटर सीजन में पहनने के लिए कम्फर्टेबल होते हैं। सिल्क फैब्रिक्स हैव मॉडरेट रेसिस्टेंस टू रिंकलिंग। और इसमें क्या होता है, रिंकलिंग यानी जो सिकुड़न होता है वह मॉडरेट होता है। अबाउट 5500 वाट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 kg ऑफ रॉ सिल्क। लगभग 5500 वाट्स का जरूरी होता है क्या करने, 1 kg रॉ सिल्क यानी कच्चा सिल्क निकालने के लिए। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल। प्रिमेटिव मैन, पुराने जमाने में आदमी, डिड नॉट हैव एनी आइडिया ऑफ क्लॉथिंग, उसे कपड़े के बारे में कोई आइडिया नहीं था। ही वांडर्ड नेक्ड इन फॉरेस्ट लाइक ऑल अदर एनिमल, वो जानवर की तरह ही ऐसे घूमते थे। इन द स्टोन एज, स्टोन एज में अबाउट 30,000 ईयर्स एगो, लगभग 30,000 साल पहले, मैन बिगन वियरिंग स्किन ऑफ एनिमल्स। आदमी क्या किए, एनिमल का स्किन पहनना स्टार्ट किए, लीव्स पहनना स्टार्ट किए, या फिर बार्क ऑफ प्लांट के छिलके टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम कोल्ड, खुद को कोल्ड से बचाने के लिए वे लोग क्या पहनना शुरू किए, स्किन ऑफ एनिमल्स, लीव्स और बार्क ऑफ लीव्स, ये सब चीज़ें पहनना शुरू किए। इन इंडिया में कॉटन केम टू बी नोन एंड यूज अराउंड 2000 BC। ये जो है पहचान में आया, प्रकाश में आया, यानी लोगों को पता चला कॉटन के बारे में लगभग 2000 BC में। द क्लासिक इंडियन क्लॉथ्स वेयर नॉट स्टिच, नहीं, क्लासिक इंडियन क्लॉथ जो है वो सीकर नहीं बनाए थे, बट वेयर यूज एज, लेकिन उसे यूज किया जाता था साड़ी और धोती की तरह, बाय वोमेन एंड मैन, महिला और पुरुष के द्वारा रिस्पेक्टिवली। दीज क्लॉथ्स वेयर ब्रेप्ड राउंड, ये क्लॉथ क्या कहते थे, गोल बंद करके पहने जाते थे। द बॉडी इन पार्टिकुलर स्टाइल, एक अलग प्रकार के स्टाइल में। आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ स्विंग नीडल की इन्वेंशन, यानी सुई के इन्वेंशन के बाद, पीपल स्टार्टेड स्टिचिंग क्लॉथ, लोगों ने कपड़ों को सीना स्टार्ट किया। स्टिचिंग क्लॉथ बिगन टू बी यूज इन इंडिया अराउंड द 14th century। स्टिचिंग क्लॉथ जो है बनाना शुरू किया गया इंडिया में, शुरू हुआ कब, लगभग 14th century के आसपास। देयर आर एविडेंस ऑफ यूजिंग सिंपल नीडल्स, एविडेंस है सिंपल नीडल का, मेड ऑफ एनिमल बोन्स, जो एनिमल बोन्स से बने हुए थे, विच माइट हैव बीन यूज टू स्यू, जिसका यूज किया जाता था एनिमल स्किन को सीने में, एंड फर गारमेंट्स, और वो फर को सीने में। वेस्टर्न क्लॉथिंग बिकेम पॉपुलर इन इंडिया इन द 20th century। वेस्टर्न क्लॉथिंग कब स्टार्ट हुआ, 20th century में। आगे देखते हैं, ऑल फाइबर नेचुरल एंड सिंथेटिक, सारा फाइबर नेचुरल और सिंथेटिक, हैव वन थिंग इन कॉमन, उसमें एक चीज़ कॉमन होता है, ऑल आर मेड फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज प्रोवाइड बाय नेचर कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस थिंग्स वी नीड, जो हमें ज़रूरत होता है। सम नेचुरल रिसोर्सेज, कुछ नेचुरल रिसोर्सेज आर रिन्यूएबल बिकॉज दीज आर रिप्लेनिश्ड बाय नेचुरल साइकिल, क्योंकि ये फिर से बनाए जा सकते हैं। फाइबर्स फ्रॉम ट्री, फाइबर जो ट्री से मिलते हैं, प्लांट से एंड एनिमल से, आर रिन्यूएबल नेचुरल सोर्सेज, ये क्या फिर से रिन्यूएबल यानी उसे फिर से यूज में लाया जा सकता है, वैसे सोर्स हैं। इवन द सिंथेटिक फाइबर रेयन इज मेड फ्रॉम रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज, जबकि सिंथेटिक फाइबर रेयन भी जो क्या होता है, रिन्यूएबल नेचुरल सोर्सेज हैं, दैट इज प्लांट प्रोड्यूस सेल्यूलोज, क्योंकि प्लांट से क्या मिलता है, सेल्यूलोज मिलता है। बट नॉट ऑल नेचुरल रिसोर्स कैन बी रीजनरेटेड, लेकिन सारा जो है उसे रीजनरेट नहीं किया जाता, और रिप्लेस नेचुरली विद इन रीजनेबल अमाउंट ऑफ टाइम, यानी एक सही समय में। इट वुड टेक मिलियंस ऑफ ईयर टू रिप्लेनिश,
यह जो है क्या मिलियनों साल लेता है, हजारों करोड़ों साल लगता है इसको फिर से बनने में। आवर ऑयल एंड पेट्रोलियम रिवर्स नॉट ए रीजनेबल ऑफ टाइम। हमारा जो ऑयल और पेट्रोलियम रिजर्व है यह भी क्या होता है रीजनेबल, यानी फिर से स्टार्ट होने में क्या होता है कितना टाइम लगता है इसका कोई ठिकाना नहीं है। उसके बाद क्या देख, केयरिंग ऑफ क्लॉथ्स। इफ वी लुक आफ्टर आवर क्लॉथ्स वेल, हम अपने कपड़ों को अच्छे से देखें, दे विल लास्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम, वे अच्छे समय, अगर हम लोग अपने कपड़े का अच्छे से देखभाल करें वो के लंबे समय तक टिकेंगे। दे विल ऑल्सो लुक बेटर एंड मेक अस लुक गुड एंड स्मार्ट, उसे पहनने से हम अच्छे दिखेंगे और वह हमें स्मार्ट और अच्छा दिखाए। कॉटन नायलॉन एंड पॉलिस्टर क्लॉथ्स कैन बी वॉश्ड विथ ए डिटर्जेंट एंड वाटर, इसे धोया जाता है किससे, डिटर्जेंट से और वाटर से। दे मे बी क्रश्ड आफ्टर ड्राई, उसका जो है वो क्या क्रश मुड़ जाते हैं धोने के बाद, दैट्स वाई दे आर आयरन, जिसके कारण उसे आयरन किया जाता है। सिल्क एंड वुलन क्लॉथ्स कैन बी जेंटली वॉश, सिल्क और वुलन क्लॉथ को धोया जाता है एट होम घर में भी थे माइल्ड डिटर्जेंट के साथ, बट इट इज बेटर टू हैव देम क्लीन्ड बाय पेट्रोल, लेकिन उसे पेट्रोल से धोना क्या होगा अच्छा होता है। दिस प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग बाय पेट्रोल इज कॉल्ड ड्राई क्लीनिंग, पेट्रोल से धोना क्या कहलाता है ड्राई क्लीनिंग कहलाता है। एट मेनी प्लेसेस, बहुत जगह इन आवर कंट्री हमारे कंट्री में, सिल्क एंड वुलन क्लॉथ्स आर नॉट वॉर्न इन समर, सिल्क और वुलन क्लॉथ्स समर में नहीं पहना जाता, दे शुड बी प्रॉपरली स्टोर्ड अदरवाइज, उसे अच्छे से रखा जाता है ताकि दे कैन बी डैमेज्ड बाय इंसेक्ट सच एज सिल्वर फिश, जैसे कि सिल्वर फिश तरह। दे आर जनरली केप्ट इन बॉक्सेस, उसे रखा जाता है बॉक्स में एलोंग विद मॉथ बॉल्स, मॉथ बॉल के साथ और ड्राइड नीम लीव के साथ। इस सेशन में इतना ही, अब इसके क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट डे देखेंगे। बाय, टेक केयर।